आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। योग दूर करे रोग। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप गंभीर से गंभीर बीमारी को भी दूर भगा सकते हैं, पर शर्त है कि आप इसे अपने रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लें। तो आइए जानते हैं योग गुरु आचार्य सोहित शास्त्री जी से कमर दर्द से कैसे आप निजात पा सकते हैं। सभी को नमस्कार। आज हम फिर से एक आपसे चर्चा करेंगे। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है, अगर उस पर सही से हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो जानलेवा भी हो सकती है। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से भी कमर में दर्द होता है। हड्डियों की कमजोरी हो जाने से कमर में दर्द होता है। जिनकी मसल्स पावर कम हो जाती है तो उनको भी कमर में दर्द होता है। कमर दर्द एक इतना बड़ा विषय है, कमर दर्द कि इतने सारे रोग हैं, अगर हम उसके बारे में जानना शुरू करें तो अच्छी खासी PhD की जा सकती है। तो दर्शक महानुभावो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको यदि कमर में दर्द होने की जरा सी भी उम्मीद हो, अगर आपको कमर दर्द जरा सा भी लगने लगे कि मुझे कहीं ना कहीं कमर दर्द होने वाला है, तो आप सतर्क हो जाइए और सीधा आप योग आसनों की तरफ आ जाइए, तो आपको निश्चित रूप से कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने कमर दर्द पैदा कर लिया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आपको हो गई या लोअर बैक पेन आपको हो गया, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो वो एक्सरे करता है। एक्सरे में यदि कुछ नहीं आता, उसके बाद सिटी स्कैन करेगा। सिटी स्कैन में कुछ नहीं आएगा तो और कोई गहन आपका टेस्ट करेगा। उसके बाद कोई छोटा सा, कोई थोड़ी सी एक प्रॉब्लम दिखाई देगी, MRI आदि जब करते हैं तो वो बोलेगा कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। और यदि आपने लोअर बैक पेन का या कमर का ऑपरेशन आपको कराया, वो खुद बोल देते हैं कि इतने परसेंट 50% सफल होगा, 50% नहीं होगा। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कमर दर्द के लिए आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है, कमर दर्द के लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने रहन सहन को, अपने चलने फिरने को, अपने बैठने के तरीके को ठीक कर लेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग आप यदि करना शुरू कर देंगे तो कमर का दर्द आपको होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता, मैं गारंटी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ। आइए और हम एक दो एक्सरसाइज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए करते हैं। लेट जाइए, सीधे सीधे लेट जाएं, कमर के बल लेट करके अपने पैरों को दोनों को सीधा कर लेंगे, सीधे लेट जाएंगे। मरकट आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को साइड में खोलिए, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को मोड़िए, एड़ियां हिप से टच कीजिए। अब इसमें ध्यान रखना है कि घुटनों को लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर डाउन करना है और गर्दन को दाईं ओर, राइट साइड। चलिए कीजिए धीरे धीरे, लेफ्ट साइड में घुटने जाएंगे। मरकट आसन भाग एक इसको कहा जाता है। मरकट आसन का पार्ट वन का अभ्यास हम कर रहे हैं। साइड चेंज कीजिए, थोड़ी देर रुक करके किसी भी आसन को आप होल्ड करके करें, थोड़ी देर रुक करके करें तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। मन ही मन में 10 काउंट करें, 10 गिनती गिनें और फिर साइड चेंज करें। गर्दन और घुटने अपोजिट साइड, ये आपके कमर के दर्द को दूर करती है और पूरी स्पाइन की, पूरी कमर की एक एक मांसपेशी के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है, एक एक हड्डी, एक एक बोन के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। और इसके साथ साथ जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं, इस एक्सरसाइज को करते करते आपके पेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट बढ़ जाता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
सावधानी रखनी है कि जिनको कोई जल्दी में सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए अब दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में अंतर कीजिए, पैरों में अंतर कीजिए और फिर से लेफ्ट साइड में डाउन कीजिए, लेफ्ट साइड। ध्यान रखना है कि जो राइट पैर है उसके टखने के ऊपर लेफ्ट घुटना आपका आना चाहिए, उल्टे पैर का साइड चेंज कीजिए, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। अब राइट पैर के टखने के ऊपर लेफ्ट घुटने को टच कीजिए, फिर साइड चेंज कीजिए। कम से कम 6 बार इसको हम यहां से आपको कराएंगे, समय की बाध्यता रहती है तो आपको यहां से सीखना है और साथ साथ करना है। साथ साथ आप इसका अभ्यास करेंगे, 6 बार आपने यहां से किया, आप इसको 10 बार कीजिए, आप इसको 20 बार तक कर सकते हैं, और अधिक आपको प्रॉब्लम है तो इसको आप और भी थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, 30 बार तक भी इस एक्सरसाइज का अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए आइए वापस एक आसन और करते हैं, दोनों पैरों को सीधा कीजिए, हाथ वहीं पर रहेंगे, अपने लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पर अप कीजिए, बिल्कुल सीधा पंजा पॉइंट रहेगा, दोनों पैर सीधे रहेंगे, और राइट साइड में डाउन कीजिए, गर्दन अपोजिट साइड, गर्दन अपोजिट साइड, ध्यान रखना है। फिर वापस 90 डिग्री डाउन, लेग चेंज, फिर दूसरी साइड में ले जाइए, फिर साइड चेंज। इसमें भी आपको यही सावधानी रखनी है कि अगर जल्दी में कोई सर्जरी हुई है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। लोअर बैक के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इसका अभ्यास आप नियमित रूप से कम 10 बार और अधिक से अधिक 20 बार तक कर सकते हैं। यदि आप होल्ड करके करते हैं, थोड़ा रुक करके करते हैं, तो 10 बार भी काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है, और यदि बिना रुके करते हैं तो आपको 10 से 20, 20 से और भी आगे बढ़ा सकते हैं क्षमता के हिसाब से। इसका अभ्यास आप करते रहें। ध्यान रखना है कि पैर जब साइड में जाएगा तो गर्दन दूसरी साइड में मुड़ जाएगी, गर्दन अपोजिट साइड में रहेगी, शरीर के ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ना चाहिए। आइए एक बार फिर करें, जिस पैर से आपने शुरू किया था उसके अपोजिट पैर से आप इस एक्सरसाइज को पूर्ण करेंगे। आइए वापस, इसका अभ्यास हमने अभी किया मरकटासन पार्ट 1, पार्ट 2 और ये मरकटासन पार्ट 3 का अभ्यास आप कर रहे थे। इस आसन को आप जब करेंगे तो आपकी जब नाभि हट जाती है, कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा वजन उठा लेते हैं तो नाभि अपने स्थान से हट जाती है, या कुछ झटका लग जाता है, पैर गड्ढे में चला जाता है तो नाभि कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, साइड में चली जाती है, चारों दिशाओं में नाभि हट जाती है। नाभि हटने से लूज मोशन हो सकते हैं, अपच हो सकती है और कब्ज हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नाभि के लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। यदि आपको पता चल जाए कि नाभि हट गई है, साइड में हो गई है, तो इस एक्सरसाइज का यदि अभ्यास आप कर लेंगे तो नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी। तो हमने आज आपसे 2-3 आसनों के बारे में बात की कमर दर्द के लिए, और इसी प्रकार से आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। इति ओम शम। तो दोस्तों, करिए योग और भगाइए रोग को अपने शरीर से दूर, और रहिए चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त, क्योंकि जान है तो जहान है, और आप स्वस्थ हैं तो आप आसमान से भी खुशियों के तारे तोड़ लाने में कामयाब हैं। नमस्कार।